और मैंने सरकार को भी कहा है कि आप रेगुलराइजेशन बिल लाइए, इन तोड़ने के आदेश से शहर नहीं बसेगा। माननीय उच्च न्यायालय भी जाने वाले हैं, एक से दो दिनों में सब पेपर्स तैयार हो जाएंगे, हम लोग भी इसको रोकने के लिए एक PIL करेंगे। और किसी भी दिन बहुत बड़ा आंदोलन इस पर हो सकता, पूरा राज्य सरकार जिला प्रशासन इसका जिम्मेवार होगा। जहां नमस्कार, वेब समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं काजल मेहता। आज हम पहुंचे हैं नगर निगम के कार्यालय में, जहां पे बातचीत हो रही है संजीव विजयवर्गीय, उपमहापौर संजीव विजयवर्गीय जी से। मुद्दा है सेवा सदन अस्पताल, जो काफ़ी सुर्खियों में रहती है इस बात को लेकर के कि वहाँ प्रतिदिन कई रोगी, कई मरीज वहाँ पे ठीक होते हैं और कितने ही लोग प्रतिदिन एडमिट होते हैं। लेकिन अब सुर्खियों में वो इसलिए है कि उसकी जो बसी बसाई दुनिया है, जो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ उसको उजाड़ने की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है उजाड़ने की बात, आइए जानते हैं संजीव विजयवर्गीय जी से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीव जी। जो सुर्खियों में चल रहा है सेवा सदन अस्पताल, अब उसको उजाड़ने की बातें की जा रही है, बताएंगे जरा दर्शकों को। बिल्कुल, मैं उजाड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसे बचाने के लिए आज यहाँ बैठा हूँ। कल कोर्ट के आदेश में, नगर आयुक्त के कोर्ट के आदेश में ये कहा गया था कि उसे 15 दिनों के अंदर तोड़ना है। अब तोड़ना है तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, और आज उसी निमित्त मैंने PC किया, क्योंकि ऐसा भवन जो 60 साल पूर्व बना, और बिल्डिंग बायलॉज में भी उल्लेख है कि 1974 के पूर्व के बने हुए भवनों में हम इस तरह की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर इस तरह का निर्णय लेना मुझे लगता है कि वो समाज के लिए ठीक नहीं है। आज के दिन नागरमल मोदी सेवा सदन लगातार 60 वर्षों से जनता की सेवा में लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अगर RMCH सदर हॉस्पिटल को छोड़ दिया जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि रांची में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल है जो इतने कम मूल्यों में इतना अच्छा इलाज कर सकता हो। आज के दिन कोई भी गरीब तबका या मध्यम वर्गीय जब कोई हॉस्पिटल का नाम लेना चाहता है, तो सरकारी हॉस्पिटल से कुछ लोगों को परहेज रहती है, तो पहला नाम यही आता है, चलो सेवा सदन, वहाँ पॉकेट भी अलाउ कर देगा, इलाज भी ठीक हो जाएगा। आज वैसे भवन को अवैध भवन बोलना, 60 साल पहले जो भवन बने उसको अवैध कैसे हम बोल सकते हैं? हाँ, नक्शा नहीं मिलना, नक्शा पास नहीं होना, तो 1974 के पहले नक्शा पास कौन करता था, और कौन से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने भवन का नक्शा पास कराया होगा? मैं समझता हूँ 0.01%। कौन करता था इसकी जानकारी लोगों को भी नहीं थी। अब आज उस परिस्थिति में आप उसको अवैध भवन ठहरा देंगे, तो ये एक ऐसा विषय है जिसके खिलाफ हम लोग आज मैं PC कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। केवल सेवा सदन ही नहीं, मेरा तो आज मुद्दा 1,80,000 घरों का है। जो कार्य सेवा सदन ने किए, वही कार्य रांची के 1,80,000 घरों ने किए। 1,80,000 घरों को अगर सेवा सदन का कोर्ट ने फैसला दिया तोड़ने का, तब तो आने वाले दिनों में 1,80,000 घरों को तोड़ने का आदेश आएगा। तो क्या इतने भवन को तोड़ना व्यवहारिक है? क्या निगम तोड़ पाएगा? क्या नियम अलाउ करता है? क्या उच्च न्यायालय नहीं है? क्या न्यायालय के जो हमारे जज साहब लोग बैठे हुए हैं, मानवीय मूल्यों को देखते हुए इस पर रोक नहीं लगाएंगे? तो जब इस तरह की बातें होनी है, तो इस तरह का निर्णय मुझे लगता है कि आज के दिन व्यवहारिक नहीं है। और मैंने सरकार को भी कहा है कि आप रेगुलराइजेशन बिल लाइए, इन तोड़ने के आदेश से शहर नहीं बसेगा, बल्कि आप रेगुलर कीजिएगा तो शहर भी बसेगा, अच्छा भी होगा, और उसके बाद अफसर्स में अकाउंटेबिलिटी लाइए, जिससे कि आगे और कोई अवैध ना करे और एक नए रांची की परिकल्पना करे, तो रांची एक अच्छा रांची बसने की आप सोच सकते हैं। आपने आज इस चीज़ तोड़ने से बचाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है, किसी तरह की बात होती है और इस बात को नहीं माना जाता है, उसे तोड़ने के लिए फोर्स किया जाएगा, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, हम लोग माननीय उच्च न्यायालय भी जाने वाले हैं, एक से दो दिनों में सब पेपर्स तैयार हो जाएंगे, हम लोग भी इसको रोकने के लिए एक PIL करेंगे। साथ ही साथ जनता आंदोलन के लिए तैयार बैठी हुई है, और किसी भी दिन बहुत बड़ा आंदोलन इस पर हो सकता, पूरा राज्य सरकार जिला प्रशासन इसका जिम्मेवार होगा। अभी हमें इतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। बारिश का दिन
जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको घर देने की बात, वहां हम तोड़ने की बात कर रहे हैं। सब चीज़ों में इतना गतिरोध है कि पता ही नहीं चलेगा। लोग अपने आप में कंफ्यूज हैं कि एक तरफ सरकार बसाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ हम उजाड़ने का बात कर रहे हैं। तो इसका साधन समाधान कैसे निकले, इस पर ही निर्णय लेने के लिए आज ये पीसी। अजय वर्गीय जी ने बताया कि नए शहर को बसाने के लिए पुरानों को तोड़ करके कोई बड़ी बात नहीं होगी। बसाना है तो नए तरीके से बसाएं, पुरानी चीज़ों का ध्यान रखते हुए। इसी के साथ कुछ मुद्दे और हैं हमारे पास जिनसे बातचीत करनी है विजय वर्गीय जी से। जी, एक और सवाल है आपका। बड़ा तालाब हमेशा रांची शहर की वो शान कही जाती है, ऐसे में अभी उसकी सफाई को लेकर के, बरसात का मौसम है, उसकी सफाई को लेकर के आप लोग क्या कुछ प्लान करके रखे हैं? देखिए, लगातार पिछले एक वर्षों से अगर आप रिजल्ट देखेंगे बड़ा तालाब का, तो बहुत परिवर्तन आपको दिखेगा। मैं अधिकारियों को केवल बुराई नहीं, उनके अच्छाई पर भी बात करना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छा प्रयास किया है कि बड़ा तालाब आज अच्छा दिखने लगा। पिछले वर्ष की स्थिति मुझे याद है, जब सिर्फ हरा पत्ता नज़र आता था पूरे बड़ा तालाब में, आज एक भी पत्ता नज़र नहीं आ रहा है, पूरा तालाब साफ दिख रहा है। अब STP लगाने की बात, तो मुझे लगता है टेंडर फाइनल हो गया है, जल्द ही STP लगेगी। विवेकानंद की एक अच्छी मूर्ति वहाँ लगी है, एक अच्छा स्थल बना है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बड़ा तालाब एक अच्छा सौगात पूरे रांचीवासियों को देने वाला है। लेकिन बड़ा तालाब के चारों ओर और कैसे अच्छा हो, इसके लिए नगर विकास सचिव से मैं मिला था। बड़ा तालाब फेज 2 सुंदरीकरण का जो एक मुद्दा है, जो हम लोगों का पेंडिंग है, उसे भी मैंने राज्य सरकार से कहा कि वो दें, तो हम बड़ा तालाब का एक अच्छी तस्वीर रांचीवासियों को दिखा पाएंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि सफाई के बावजूद, सौंदर्यीकरण के बावजूद, बड़ा तालाब का कोई ना कोई ऐसा हिस्सा रह जाता है जहाँ मल गंदगी रही जाती है, जिस कारण वहाँ के आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। देखिए, सब चीज़ों की जिम्मेवारी अधिकारियों की है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। जनता को इसमें भागीदारी बनाना होगा। आज कहीं ना कहीं अत्यधिक गंदगी वाली स्थान को अगर हम देखते हैं, तो वहाँ केवल निगम जिम्मेवार नहीं है, बल्कि लोग भी अपने आप को कैसे जागरूक करें, अपने आप को कैसे बचाएं कि हमारा तालाब, नदी, नाला गंदा ना हो। मुझे लगता है कि इसकी पहल करने की भी आवश्यकता है और अन्य स्रोतों से भी इस तरह की जागरूकता अभियान को चलाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम रांची के सभी तालाबों को, नालों को और नदियों को बचाने का काम कर सकें। जैसे कि विजय वर्गीय जी ने बताया कि बड़ा तालाब का जो है सौंदर्यीकरण करने की फिर से तैयारी है, बरसात का मौसम है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सभी अधिकारियों का ही नहीं है कि वो ही ख्याल रखे सभी चीज़ों का। जो आपके घर के आसपास तालाब है, खुले एरिया है, उन जगहों पे कचरा ना फेंक के, तालाबों में कचरा ना फेंक करके आम जनता खुद सफाई का एक हिस्सा बन सकती है।